चलिए खबरों में सबसे पहले बात करेंगे पीएम मोदी के रन फॉर रियो की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से थोड़ी ही देर में दिल्ली में रन फॉर रियो दौड़ को हरी झंडी दिखाएंगे। ये रेस मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम से शुरू होकर जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम तक जाएगी। 5 अगस्त से ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में शुरू हो रहे ओलंपिक खेलों में भारतीय एथलीट्स का हौसला बढ़ाने के लिए खेल मंत्रालय ने रन फॉर रियो का आयोजन किया है और ये सीधी तस्वीरें अब आपको दिखा रहे हैं। अभिनंदन करते हुए माननीय प्रधानमंत्री महोदय का, रन फॉर रियो का आज आयोजन हो रहा है और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस रेस को हरी झंडी दिखाने के लिए पहुंचे। सबसे बड़ा अब तक का इतिहास का भारतीय दल भाग लेने जा रहा है और सारे देशवासियों को बहुत सी उम्मीदें हैं उन खिलाड़ियों से और उन्हीं खिलाड़ियों के प्रति अपना जुड़ाव प्रदर्शित करने के लिए, उनकी हौसला अफजाई के लिए, उनके उत्साह वर्धन के लिए आज इस दौड़ का आयोजन किया गया है जिसे रन फॉर रियो कहा जा रहा है। हॉकी के जादूगर दद्दा ध्यानचंद को अभिनंदन, उनको अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए माननीय प्रधानमंत्री महोदय, साथ में केंद्रीय खेल मंत्री श्री विजय गोयल, वरिष्ठ पदाधिकारी, दद्दा ध्यानचंद जिन्होंने 3 ओलंपिक खेलों में हॉकी में भारत को स्वर्ण पदक दिलाया। गौरवशाली इतिहास रहा है भारत का हॉकी में और रियो ओलंपिक खेलों में खास बात यह है कि भारत की पुरुष और महिला दोनों ही टीमें पदक की होड़ में शामिल होंगी। आज सारे देश के साथ माननीय प्रधानमंत्री महोदय श्री नरेंद्र मोदी जी एथलीट्स को अपनी शुभकामनाएं देने में शामिल हो रहे हैं। एक बहुत ही यादगार अवसर है, रविवार की इस सुबह में हजारों की संख्या में, लगभग 20,000 के आसपास स्कूली छात्र छात्राएं और खेल प्रेमी इस दौड़ का हिस्सा बनने के लिए पूरे उत्साह उमंग के साथ यहां पहुंचे हैं। मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडियम से ये दौड़ जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम पर जाकर संपन्न होगी। सभी प्रतिभागियों के चेहरे पर हर्ष और उल्लास स्पष्ट पढ़ा जा सकता है। अपने उत्साह का प्रदर्शन करते हुए ये सभी युवा प्रतिभागी, हर उम्र के स्कूली छात्र छात्राएं और खिलाड़ी, नवोदित प्रतिभाएं इनमें शामिल, कुछ ही देर के पश्चात इस दौड़ का माननीय प्रधानमंत्री महोदय द्वारा विधिवत शुभारंभ होगा। दोस्तों, आप सब की ओर से, सब खिलाड़ी, सारे देश के खिलाड़ियों की ओर से मैं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हमारे बीच में हैं, हम सब लोगों का उत्साह बढ़ाने के लिए। ओलंपिक के अंदर हमारा 119 खिलाड़ियों का अब तक का सबसे बड़ा दल जा रहा है और मैं ये कह सकता हूं कि आज 119 खिलाड़ियों को पूरा देश इस कार्यक्रम के माध्यम से अपनी शुभकामनाएं दे रहा है। प्रधानमंत्री जी ने अपने व्यस्त समय से निकालकर हमारा उत्साह बढ़ाया, इसके लिए हम सब उनके आभारी हैं। ओलंपिक को एक हम टूर्नामेंट के रूप में ना देखें, ओलंपिक जो है वो एक खेल की भावना है और इस ओलंपिक में पूरे विश्व में हम एक संदेश देते हैं, खेलों के माध्यम से, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के माध्यम से, एकता का, बिना भेदभाव खेलने का, पारस्परिक समान का और निष्पक्ष खेलने का। हमारे युवा एवं खेल मंत्रालय ने आज ये रियो